हे वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो काफ़ी बातें चल रही हैं, काफ़ी वीडियो आ रहे हैं कि एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स प्राइसिंग कम होने वाली है। सो वील फाइंड आउट हाउ मच क्रेडेंस इज देयर टू दोज रूमर्स। स्टे ट्यून्ड। सो हाँ, ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग क्या कम होगी, ये है बड़ा सवाल। काफ़ी वीडियो बना रहे हैं लोग। ऑल ऑफ दिस वीडियोज आर पॉइंटिंग टू दिस वन आर्टिकल ऑन एनवीडिया ब्लॉग। वो आर्टिकल का हेडलाइन है, अ फर्दर स्टेप टू गेटिंग जी फोर्स कार्ड्स इन टू द हैंड्स ऑफ गेमर्स। नाउ वो ब्लॉग में एनवीडिया साफ बता रहा है कि द न्यू कार्ड्स 3080, 3070 एंड 3060 Ti, दीज आर द थ्री कार्ड्स दैट दे मेंशन, इसका न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो LHR वर्जन होंगे। नाउ व्हाट इज LHR? LHR लो हैश रेट मॉडल्स बेसिकली। सो दीज आर सपोज टू बी शिपिंग एंड मे एंड। नाउ इससे प्राइस कम कैसे हो रहा है? नाउ प्राइस कम इसलिए होगा, ये है अजम्पशन बाय द वे, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। नाउ द अजम्पशन इज कि क्योंकि ये LHR वर्जन्स है, माइनर्स के लिए कार्ड इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि एनवीडिया इज हाफिंग दी हैश रेट ऑन अ हार्डवेयर लेवल। ये न्यूज़ में है कि हार्डवेयर लेवल पे आधा हो रहा है हैश रेट। सो नेचुरली माइनर्स विल नॉट ऑप्ट फॉर दिस कार्ड्स। नाउ सिंस दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस कार्ड, उसका डिमांड एटलीस्ट थोड़ा कम होगा। नाउ उसका डिमांड थोड़ा कम होगा तो प्रोबेबली उसकी प्राइस भी कम होगी। नाउ दिस इज द जनरल अजम्पशन दैट इज बीइंग मेड विद रिस्पेक्ट टू LHR कार्ड्स। नाउ LHR कार्ड्स रिलीज होने से क्या होने वाला है? अब हम पहले एक नॉर्मल अजम्पशन की बात कर चुके हैं कि प्राइस थोड़ा कम होगा, लेकिन एक और भी चीज़ होगी। व्हाट विल हैपन इज जो LHR कार्ड्स आने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है वो आने वाले हैं, द रेगुलर स्टॉक ऑफ RTX 3000 सीरीज वो लोग उठा के रख लेंगे, दे विल जस्ट कीप इट इन बैकअप। नाउ व्हेन LHR रिलीजेस, दीज कार्ड्स विल गेट मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज पता है कि आगे ये कार्ड नहीं आने वाले, यू आर नॉट गोना गेट अ फुल हैश रेट 3080 बाद में। तो कई लोग क्या करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है 3080 का, दे विल जस्ट कीप इट ऑन द साइड, LHR आने के बाद वो बेचेंगे। सो दैट वे सम कार्ड्स विल इवन बी मोर एक्सपेंसिव, स्पेशली फॉर दोज हु आर लुकिंग टू गेट अ माइनिंग कार्ड। ये एक चीज़ हो सकती है। नाउ दूसरी चीज़ भी हो सकती है, द सेकेंड थिंग दैट एन एक्चुअली हैपन एंड मे बी विल इज, जैसे 3060 लॉन्च के टाइम पीपल फाउंड अ बीटा ड्राइवर जिससे माइनिंग परफॉर्मेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कैन दैट हैपन अगेन विद दीज LHR कार्ड्स? ये भी हो सकता है। नाउ एनवीडिया इज सेइंग कि ये एक हार्डवेयर लेवल लॉक होगा। नाउ हार्डवेयर लेवल लॉक होगा, क्या वो हर करेंसी के लिए होगा? कीप इन माइंड दैट एवरी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो माइन होती है वो अलग अलग एल्गो पे होती है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिस लॉक और लो हैश रेट इज एप्लीकेबल अक्रॉस क्रिप्टो करेंसीज। लास्ट टाइम वी चेक दे आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू माइन इथीरियम और डोगकॉइन और बिटकॉइन, बट दे आर अदर पॉपुलर और क्रिप्टो करेंसीज विच आर गेटिंग पॉपुलर, जो शायद ये LHR वर्जन पे भी अच्छा माइन हो। वी डोंट नो दैट येट, क्योंकि माइनर लोग तो किसी भी चीज़ पे माइन करना शुरू कर दे हैं। इनकेस यू गैस डिडंट नो, देयर इज द सीमिंग SSD शॉर्टेज नाउ, क्योंकि चिया करेंसी या चिया कॉइन करके करेंसी है जो SSD और हार्ड डिस्क पे माइन हो रही है। सो देयर इज अ सडन बूम ऑफ डिमांड फॉर दिस हाई कैपेसिटी SSDs एंड हाई कैपेसिटी HDDs, जिसपे चिया कॉइन माइन हो रहा है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिस स्टेप बाय एनवीडिया एक्चुअली फर्क पड़ेगा इन द प्राइसिंग इन जनरल। बट याद, ओवरवेलमिंग फीडबैक दैट वी हैव इज मोस्ट लाइकली होना चाहिए। तो वो हो गई प्राइसिंग की बात। नाउ लेट टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ दिस पॉसिबल LHR कार्ड्स। नाउ कुछ लोगों को have this misconception that LHR cards may not perform as good as regular cards जो non-LHR है। Now this is completely wrong, क्योंकि उसका हर spec same होगा। Its CUDA cores is going to be the same, its compute units is going to be the same, its RT cores is going to be the same, tensor cores will be the same. तो on a gaming performance level or your application such as even deep learning application, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। There's going to be absolutely zero difference. The only difference that you'll see is that if you're a miner and if you're checking your hash rates, probably you will get a reduced hash rate. For a gaming perspective, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो या, ये मिसकंसेप्शन दूर करना ज़रूरी है। पीपल आर अज्यूमिंग दैट LHR कार्ड्स आर नॉट अप टू द मार्क, वो 100% नहीं है। दे आर नॉट 100% जस्ट फॉर दैट माइनिंग यूज केस, रेस्ट एवरीथिंग इट लाइक सॉर्टेड, सीन इज सॉर्टेड, यू कैन एक्चुअली बाय एन LHR कार्ड बिना टेंशन के। फाइनली कंक्लूड दिस वीडियो, क्या प्राइसेस सही में कम होने वाले हैं? आई मीन हम तो ऑलरेडी अच्छे रेट में बेच रहे हैं विद कंपेरिजन टू ऑल अदर ई टेलर्स विच आर सेलिंग 3080s at 2 lakhs
हम ऑलरेडी उससे कहीं ज़्यादा कम में बेच रहे हैं बिकॉज वी आर शिपिंग इट ओनली विद बिल्ड्स. अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग अस वेदर यू कैन शिप अ सिंगल 3080 और सिंगल 3070. वी आर अवॉइडिंग दैट एंड शिपिंग इट ओनली विद बिल्ड्स बिकॉज वी नो दैट जितने भी लोग इसमें डील कर रहे हैं एंड पीपल आर फ्रीली सेलिंग टू माइनर्स, वेल एंड गुड, नथिंग अगेंस्ट दैट. बेचो, माइनर्स को चाहिए तो माइनर्स को बेचो, बट वी आर अवॉइडिंग दैट बिकॉज वी फील दैट प्रॉबली दिस माइट डू गुड इन अ हैंड ऑफ अ गेमर और जिसका कुछ कंटेंट क्रिएशन का काम हो. वी जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट दैट एंड क्योंकि वहाँ थोड़ा सपोर्ट कम रह रहा है. पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दिस कार्ड्स. वी आर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ यू डेली, सो वी नो दैट कि लोग तीन तीन महीने से वेट कर रहे हैं कार्ड के लिए. एंड वी आर सॉरी दैट वी आर नॉट शिपिंग इट टू सिंगल इंडिविजुअल्स हू आर आस्किंग जस्ट फॉर द कार्ड. वी आर सॉरी, वी वोंट बी एबल टू डू दैट अंटिल प्रॉबली जून मिड, वेन वील स्टार्ट डूइंग दैट जब थोड़ा स्टॉकिंग सिचुएशन इम्प्रूव होगा. एज ऑफ राइट नाउ वी स्टिल हैव स्टॉक्स फॉर 3060, 3070, 3080 एंड 3090. 3090 का थोड़ा टाइट सीन चल रहा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सो येस, यू कैन गो हैड एंड प्लेस योर ऑर्डर्स. वी स्टिल गिविंग इट एट अ करेक्ट प्राइस. वी विल सी अ ग्रेजुअल डिक्रीज इज आर ओपिनियन. सो लेट्स वेट एंड फाइंड आउट. Thank you for watching. Now we can look at it two ways. Number one, price कम होगा क्योंकि miners को ये नहीं चाहिए और obviously ये नहीं चाहिए तो वो लोग नहीं लेंगे. Wow, what an obvious. Okay, let's do that again. मेरा video हो गया अभी, क्या बोल रहा है? बात ही नहीं किया, रख दिया. सो यस, वी हैव गेमिंग सेट ट्रायो 3080 स्टॉक में है, खरीद लो.